तो हेलो नमस्ते। तो आज है मेरे पास बहुत सारी तड़कती फड़कती खबरें जिन्हें मैं एक एक करके बताऊंगा। तो बने रहो सभी लोग वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारा सरप्राइज है। तो शुरू करते हैं खबरों की बात थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ, सो लेट्स बिगिन। तो पहली खबर आ रही है अक्की बाजी की तरफ से, क्योंकि अक्षय कुमार की आने वाली मूवी मिशन रानीगंज का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। वैसे इस मूवी की हाइप नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जानते हैं कि आखिर इस ट्रेलर में है क्या। तो मिशन रानीगंज का ट्रेलर 26 सितंबर को रिलीज हुआ और इस ट्रेलर को अब तक काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। 2 मिनट 15 सेकंड के इस ट्रेलर में वेस्ट बंगाल के रानीगंज में कोयला खदान में हुआ हादसा और रेस्क्यू की दर्दनाक कहानी को दिखाया गया है, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो जानते हैं कि आखिर क्या है मिशन रानीगंज की कहानी। तो आखिर जानते हैं क्या होगा मिशन रानीगंज में। तो मिशन रानीगंज की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। मूवी की कहानी माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की इंस्पिरेशनल लाइफ पर बेस्ड है। ईयर 1989 में वेस्ट बंगाल में 104 फीट गहरी कोयले की खदान में एक काफी बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें तकरीबन 65 मजदूर मौत के मुँह में फंस गए थे। इस घटना में जसवंत सिंह ने बहादुरी दिखाते हुए और उनकी जान बचाई थी। तो इसी ट्रेजेडी पर होने वाली है मिशन रानीगंज मूवी की कहानी। वैसे इस ट्रेलर के बारे में और इस मूवी के बारे में इससे ज्यादा बोलने लायक कुछ नहीं है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर आ रही है दशहरे की तरफ से। दशहरा है मतलब दशहरे में ऐसा क्या होगा, तो चलो एक एक करके बताता हूँ। तो इस दशहरे पर एक से बढ़कर एक बड़ी मूवीज रिलीज होने जा रही है। कई बड़े स्टार्स की मूवीज एक साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने को तैयार है, लेकिन डेट को लेकर मूवीज के बीच में क्लैश भी देखने को मिलने वाला है। बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक की कई बड़ी मूवीज एक साथ थिएटर्स में टकराएगी, जिसमें साउथ सुपरस्टार थलापति विजय की मूवी लियो और बॉलीवुड के एक्शन हीरो, मेरा मतलब है कि बॉलीवुड के उछल कूद हीरो मतलब अपने सस्ते माइकल जैक्सन, टाइगर श्रॉफ की मूवी गणपत भी शामिल है। और ये दोनों मूवीज 19 या फिर 20 अक्टूबर को रिलीज होगी। थलापति विजय साउथ तमिल इंडस्ट्री का इतना बड़ा नाम है और उनकी मूवीज आने का पब्लिक को सबरी से इंतजार रहता है। हाथों हाथ उनकी मूवीज की टिकट धड़ल्ले से बिक जाती है। अक्टूबर में उनकी मच अवेटेड मूवी लियो रिलीज होने जा रही है। लियो की बेकरारी फैंस में साफ देखने को मिल रही है। विजय की ये मूवी अब तक सोलो ही आ रही थी, लेकिन अब उनसे टकराने टाइगर श्रॉफ की मूवी गणपत भी तैयार है। इस बार दशहरा 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले 19 अक्टूबर को थलापति विजय की मूवी लियो रिलीज हो रही है। मूवी में उनके साथ त्रिशा कृष्णन और संजय दत्त भी नजर आएंगे, जिसका पोस्टर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। विजय की मूवी लियो के सामने कोई भी एक्टर अपनी मूवी नहीं लाना चाहता है, लेकिन अपने उछल कूद के एक्सपर्ट टाइगर श्रॉफ इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि गणपत टाइगर के करियर की 10th मूवी होने वाली है, मतलब 10वीं मूवी। तो इस वजह से टाइगर ने बोला है कि अपन की मूवी 20 तारीख को रिलीज होके रहेगी। मतलब भाई ने बोल दिया तो बोल दिया। तो अब होगा टाइगर वर्सेस लियो का सामना, मतलब इधर शेर इधर बाघ। तो देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है, क्योंकि इन दोनों मूवीज के साथ एक और मूवी है जो इन्हीं के साथ रिलीज होगी, और उस मूवी का नाम है टाइगर नागेश्वर राव, जो कि एक तेलुगु मूवी है जिसमें लीड रोल में है एक्टर रवि तेजा। तो भाई अगली खबर आ रही है दो मरी हुई बर्बाद मूवीज की तरफ से। मतलब कुछ दिनों पहले थिएटर्स में एक नहीं बल्कि दो मूवीज रिलीज हुई। लिस्ट में पहले नंबर पर है विक्की कौशल की मूवी द ग्रेट इंडियन फैमिली, तो दूसरे नंबर पर है शिल्पा शेट्टी की मूवी सुखी। वैसे तो ये दोनों ही मूवीज का हाल बॉक्स ऑफिस पर बेहाल दिख रहा है, लेकिन इन दोनों में से विक्की कौशल की मूवी ने कम से कम करोड़ में तो ओपनिंग की है, जबकि सुखी तो लाखों में सिमट के रह गई। मतलब इस मूवी का नाम भी कितना अजीब है, सुखी सुखी तो सुखी रह गई। द ग्रेट इंडियन फैमिली के ट्रेलर और गानों को तो ऑडियंस की तरफ से काफी ठीक ठाक रिस्पांस मिला है, लेकिन फिर भी मूवी की ओपनिंग काफी सुस्त हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मूवी का बजट था करीब 25 करोड़ रुपए और मूवी ने पहले दिन कलेक्शन किया ओनली 1,40,00,000 रुपए का। और इस मूवी के बारे में कहा जा रहा है कि यह मूवी वीकेंड तक 10 करोड़ भी नहीं कमा पाएगी। और आज जहाँ विक्की कौशल की मूवी द ग्रेट इंडियन फैमिली ने 1,40,00,000 रुपए की ओपनिंग की है, तो दूसरी ओर शिल्पा शेट्टी की मूवी सुखी का हाल काफी ज्यादा बेहाल दिख रहा है, क्योंकि इस मूवी ने पहले दिन सिर्फ 30,00,000 रुपए का कलेक्शन किया। कितना? सिर्फ 30,00,000 रुपए। और इस मूवी का बजट कितना था? 20 करोड़ रुपए। मतलब कितना ज्यादा बर्बाद किया गया प्रोड्यूसर को। अब आगे इन दोनों मूवीज का होगा क्या, ये तो भगवान ही जाने। तो अगली खबर आ रही है ऑस्कर अवार्ड्स की तरफ से। ऑस्कर 2023 इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट बन गया था जब SS राजामौली की मूवी RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मिला था, जिसे कंपोज किया था MM किरवानी ने। और इसी के साथ ही एलिफेंट विस्पर्स नाम की मूवी को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी का अवार्ड मिला था। और इतना ही नहीं, गुजराती मूवी लास्ट फिल्म शो को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर मूवी कैटेगरी के लिए इंडिया की तरफ से नॉमिनेट किया गया था। जब इंडिया की इन मूवीज ने इंडियंस का सीना चौड़ा किया, तो इस बार ईयर 2024 के लिए इंडिया की तरफ से कौन सी मूवी नॉमिनेशन के लिए जाएगी,
इसका फैसला 17 मेंबर्स की जूरी कमेटी डिसाइड करती है, जिसमें कई सारे फिल्म मेकर्स होते हैं। इस कमेटी के द्वारा मूवीज की स्क्रीनिंग चेन्नई में शुरू हो गई है। सोर्स के मुताबिक इसमें एक हफ्ता लगेगा और इसका रिजल्ट एक हफ्ते बाद अनाउंस होगा। तो अभी फिलहाल इस कमेटी के पास काफी सारे मूवीज के नाम आ चुके हैं, जिसमें शामिल है ज़िगाटो, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, गुमर, द केरला स्टोरी, बालागम, द स्टोरी टेलर, म्यूजिक स्कूल, 12th फेल, विद्युत लाइफ पार्ट 1, दशहरा और मराठी मूवी वारवी। और भी कई सारी मूवीज है। और कुछ लोगों का ऐसा कहना है, मेरा मतलब ये है कि कुछ सोशल चंदों का ऐसा कहना है कि इंडिया की तरफ से ऑस्कर्स के लिए गदर 2 और जवान भेजी जानी चाहिए। मतलब तुम लोग ऑस्कर्स को मजाक समझ रहे हो, तो उन लोगों से बस मैं यही कहना चाहूंगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो खत्म करते हैं आज की न्यूज यही पे। तो बताओ आपको क्या लगता है, कौन सी मूवी ऑस्कर्स के लिए जानी चाहिए इंडिया की तरफ से? ये आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।